हल्ला तो कांग्रेस का था लेकिन जीत गई बीजेपी। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के विधानसभा चुनाव नतीजों की। जब रुझान आने शुरू हुए तो शुरुआती 15 मिनट में ऐसे लगा कि जैसे कांग्रेस बंपर जीत की ओर बढ़ जाएगी, लेकिन सिर्फ 15 मिनट बाद मामला पलट गया और बीजेपी आंकड़ों में, रुझानों में एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आई। अब सवाल यह है कि बीजेपी ने जो बढ़त बनाई, ये जो यूटर्न अचानक आया, ये यूटर्न कैसे आया? बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार की हरियाणा के अंदर बड़ी वजह क्या रही? तो एक एक करके उन तमाम वजहों का विश्लेषण करते हैं और उनके कारणों को आपके सामने रखते हैं। कारण नंबर एक, बीजेपी के सामने तीन बड़े चैलेंज थे, किसानों की नाराजगी, पहलवानों का आंदोलन, उनके बीच में असंतोष और एक सत्ता विरोधी लहर जिसे एंटी इनकम्बेंसी कहा जाता है हर चुनाव में सत्तारूढ़ दल के लिए। लेकिन बीजेपी ने तीनों ही मुद्दों को चुनाव के अंदर अपने पक्ष में मोड़ लेने में सफलता हासिल की है और किसी भी मुद्दे का जो नुकसान है वो बीजेपी को नहीं उठाना पड़ा है। इन तीनों ही मुद्दों को बीजेपी ने गौण कर दिया और चुनावों में इन मुद्दों की हवा जो है वो नहीं चल पाई। दूसरी वजह, बीजेपी ने गैर जाट वोटर्स पर अपना फोकस बनाए रखा, शुरू से ही फोकस था, जिसका फायदा पार्टी को इन चुनाव नतीजों में मिला है। तीसरी बड़ी वजह, जाट और दलित समीकरण, इसे कांग्रेस लेकर चल रही थी, बड़ा दाव कांग्रेस का जाट और दलित समीकरण पर था। यह रणनीति पूरी तरह सफल नहीं हो पाई, जिसका जो खामियाजा है वो कांग्रेस को उठाना पड़ा और सीधे सीधे बीजेपी का पलड़ा भारी हो गया। चौथी बड़ी वजह, बीजेपी का जेजेपी से गठबंधन ना करना, यह बीजेपी की रणनीति रही। जाट वोटर जो है वो बटे नहीं बटे, क्या जाट वोट बट गए, माना जा रहा है कि जेजेपी ने कांग्रेस के जाट वोट में सेंध लगाई है, क्योंकि जाट और दलित का समीकरण साध करके कांग्रेस चल रही थी तो जेजेपी से बीजेपी ने गठबंधन नहीं किया। ये एक अच्छी रणनीति साबित हुई क्योंकि कहा जा रहा है कि जाट वोटर्स अगर बटे हैं तो जेजेपी ने उसमें सेंध लगाई है। पांचवी बड़ी वजह, कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति जिससे वो उभर नहीं पाई, शैलजा के रूठने की खबर आई, कुमारी शैलजा के रूठने की खबर आई और हो सकता है कि इस खबर ने वोटर्स पर नकारात्मक असर किया हो। ये पांच वो बड़ी वजह रही जिसके कारण हरियाणा में बीजेपी के पक्ष में नतीजे आए और कांग्रेस जिन नतीजों की उम्मीद कर रही थी उसमें वो बुरी तरह से हार गई।